तो आज है पार्टी, लेकिन उससे पहले करना है कुछ काम, साफ सफाई और थोड़े बहुत काम निपटाए। तुलसी जी की रिपोर्टिंग करनी है। ये स्टैंड मैंने लिया था, आई थिंक 750 का मुझे पड़ा था। ये वुड टच वाला टेराकोटा स्टैंड है, तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा मुझे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने तुलसी पॉट भी ख़रीदा था, अभी आगे वीडियो में देखेंगे, और उसका प्राइस भी मैंने उसमें बताया है, तो आप भी ख़रीद सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था मैंने और क्या क्या ख़रीदा था, तो मैं ख़रीदती रहती हूँ, आप भी ख़रीदते रहिए, अपने घर की शोभा बढ़ाते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज तो बस पार्टी में क्या क्या हुआ आप देखेंगे। दोस्तों मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हैं तुलसी मैया और आज हम इनका स्थान बदलने जा रहे हैं। तो स्थान क्या, इनको हम पूरी तरीके से बदलने जा रहे हैं, तो आप देखिएगा। ये हमारी तुलसी जी, ये मेरे घर में मंदिर के पास भी तुलसी लगा हुआ है और आंगन में भी तुलसी लगा रखा था, तो आंगन वाली तुलसी को मैंने उठा के, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अगर मंदिर पर पूजा करने वाले आते रहते हैं और तुलसी जी को पानी तो पड़ता रहता है, लेकिन जब हम लोग घर में नहीं होते हैं तो जो घर वाली तुलसी हैं वो बस मुरझाई सी रहती हैं। तो मैंने आज फैसला किया कि इनको भी नीचे हम ले ही आएंगे। तो ये जगह मैंने सेलेक्ट करी है मंदिर के साइड में, अभी टेम्परेरी जगह है। अभी इनका स्टैंड मुझे बनवाना है, क्योंकि आपने देखा जो स्टैंड मैंने लिया था उसका यूज मैंने किसी और पर्पज़ से किया। और मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें आपको गांव वाली देखने मिल जाएगी, क्योंकि हम थोड़ा देसी पसंद इंसान है। तो ये एलोवेरा था, एलोवेरा ये कुछ डल हो रहा था, तो इसको उठा के मैंने, शायद इसको धूप नहीं लग रही थी तो मैंने उठा के इसको धूप वाली जगह पर रखा। और मैं ईंटों का स्टैंड बनाने वाली हूँ। आज मज़ेदार बात ये हुई कि जब मैं ईंटें निकाल रही थी तो वहाँ पे वो छोटे नाग महाराज बैठे हुए थे, मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो छोटू से थे लेकिन तब भी मेरी जान अटक गई थी, तो मेरे हाथ से फ़ोन ही छूट गया था। तो फाइनली उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ और नहीं किया, और मैंने ये तुलसी जी को यहाँ से निकाल दिया है। और इनकी मिट्टी मैंने तोड़ दी है इसलिए कि पानी अच्छे से चला जाए और इनको ऑक्सीजन मिल सके। से ली तो फाइनली ये तुलसी पॉट है, ये मैंने 450 में लिया था और ये स्टैंड के साथ ही में लिया था, और मुझे 550 का बताया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये क्या है, 1.5 फीट की हाइट है इसकी, 1.5 फीट और डेप्थ भी होती है। और मैं तुलसी जी को रिपोर्ट करने वाली हूं, मुझे पड़ा था 1 फीट की है, तो मेरे लिए काफी था मेरी तुलसी जी के लिए। तो उसने मुझे 550 का बताया था, मैंने 450 बार्गेनिंग के बाद मैंने ली थी। तो बहुत अच्छा लगा, बताइएगा मुझे सस्ता पड़ा या महंगा। साइड में स्टैंड में दिया हुआ है, स्टैंड में दिया हुआ है, तो बहुत ही ज्यादा मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा। तो फाइनली मैं आ रही हूँ यहाँ से, मुझे मिट्टी कम पड़ गई, तो ये पहले से मैंने रिपोर्टिंग करी थी, मैंने उठा के ये ऐसे ही रखे, मैंने रिपोर्ट के टाइम पे निकाला था और ऐसे ही रखा, 3 महीने से ऐसे ही रखा हुआ, इसमें ग्रो भी हो गया सदाबहार। तो अच्छी बात ये है, इसको ग्रो करने के लिए कुछ और चाहिए नहीं होता है, इसको ग्रो करने के लिए बस और बस आपको थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। बहुत इसको क्या कहेंगे, थोड़ी परमानेंट प्लांट है और घर की शोभा भी बढ़ाते हैं, बढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी फायदेमंद चीजें बताई, और इसको ऐसे भी लगा देंगे तो ये लग जाती है, ये सदाबहार है, तो इसको ऐसे भी हम लगाएंगे तो लग जाएगी, तो इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि ये खराब हो गया, डाल दी है। तो फाइनली अब मैं तुलसी माता को उठाऊंगी, इसमें काफी मिट्टी लगती है, तो मैं थोड़ा बस कम से कम 4 इंच मिट्टी डालने के बाद मैंने तुलसी जी को लगाया, फिर पूरी पॉट मिट्टी से भर दिया। मैंने फाइनली जो टेम्परेरी स्टैंड बनाया था उस पर फिक्स कर दिया। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप मेरे वीडियो पे प्यार बनाते रहिए, जिससे मैं आपसे कनेक्ट रह पाऊँ। और फिर ये फाइनली कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। आप शुरू करते हैं, अब शाम की पार्टी शुरू होने वाली है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग आ गए हैं पार्टी में। ये मंदिर का जो प्रांगण था वहाँ पे पार्टी रखी हुई थी, तिलक की पार्टी थी, तिलकोत्सव था मेरे घर के बगल में। तो ये देखिए वहाँ सब लोग आ जा रहे हैं, और मैं ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मिलने वाले बहुत थे। तो फाइनली मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत दिन के बाद मैं बाहर निकली और ये बच्चों के साथ में मस्ती, ये जो बच्चे हैं मतलब बच्चे देखने में ही बस इंटरटेनिंग, वाह क्या बात है।
और मैं वहाँ बहुत से मतलब जो पुराने लोग थे उनसे मैं मिली, जिनसे मैं मिल आया। आप लोग भी मिलते रहा करिए, ऐसे ही कनेक्ट रहा करिए लोगों से, अपने आसपास अपने प्यार करने वालों से, क्योंकि बस यही जिंदगी है और इनके अलावा क्या है जिंदगी में यार। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।